लेकिन ये जो स्टे है यहाँ पे वो बेसिकली टेंट स्टे है। जो टेंट का मतलब ये नहीं है कि ये मतलब बस एक काम चलाओ टेंट है, और काफ़ी आप अगर ध्यान से देखें तो काफ़ी बड़ा है, मतलब अच्छा खासा कंफर्टेबल एरिया है। दो जने या फिर एक्स्ट्रा बेड लगा के तीन जने भी रह सकते हैं। अच्छा, यहाँ स्विच बोर्ड दिए हुए हैं। यहाँ पर लेपर्ड टाइगर्स कहाँ कहाँ दिख जाते ये हैं? पास में गुमसार बाग में अक्सर आते रहते हैं। हमें इस तरफ से जितना भी एरिया है ना, इधर इधर भी है ना, हाँ इधर भी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जी सारा टाइगर जी रिजर्व है, और इसके पीछे जो है पीछे वो झील है, झील है, जयसागर झील, जयसागर झील है। जी तो जयसागर झील है, इसके ठीक ठीक इसके पीछे मैं वो जगह ले चलता हूँ, वहाँ बर्ड वॉचिंग भी होती है। हाँ मैं बर्ड वो जैसे ये जो सामने दिख रही है, ये बेसिकली शिकारगाह है। यहाँ पे राजा महाराजा यहाँ पे छिपते थे, यहाँ पे रहते थे, और यहाँ जब पशु पक्षी जब आते थे पानी पीने के लिए तो उनको वो शिकार करते थे उनका। तो मैं आ गया हूँ अभी मचान के बिल्कुल ऊपर, और यहाँ से जो नज़ारा दिख रहा है हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अदर एपिसोड ऑफ रोडर टाइगर। सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं हूँ इस वक्त रामगढ़ विजधारी टाइगर रिजर्व में। और रामगढ़ विजधारी टाइगर रिजर्व में मैंने जिस होटल में जिस रिजॉर्ट में स्टे लिया था उसका नाम है उमेद बाग रिजॉर्ट। ये नीचे मैंने होटल का नाम लिख दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा जिससे आप बुकिंग करा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको एक बार यहाँ का कमरा दिखाता हूँ। यहाँ पे एक ही रूम है जो कि डिलक्स रूम है, स्वीट टाइप का रूम है जिसमें मैं स्टे कर रहा हूँ। अच्छा रूम है, कंफर्टेबल कोजी रूम है, लेकिन ये जो स्टे है यहाँ पे वो बेसिकली टेंट स्टे है। जो आप मेरे पीछे भी आप देख पा रहे होंगे कि ये जो स्टे है ये टेंट वाला स्टे है। तो मैं आपको उसका एक बार टूर दे देता हूँ टेंट का, और हुआ तो मैं रूम का भी आपको एक बार दिखा दूँगा। जैसे ये बाहर में एक टेबल और दो इस तरह के चेयर्स रखे हुए हैं, और ये जो दरवाज़ा है वो लोहे का है, और ये है कुछ इस तरह से टेंट दिखता है। कुश्ते के साथ दो चेयर्स, एक टेबल लैम्प यहाँ पे है, और ये सामने आईना है, और पानी की बोतल, ग्लासेस जैसे मेरे रूम में है वैसे यहाँ रखी हुई है। ताला चाबी भी आपको मिल जाता है यहाँ पे, आपको कुछ हैंग करने के लिए इस जगह पे आपको मिल जाएगा। और ये एक स्टडी टेबल जैसा बना हुआ है, और यहाँ पे है आपका बेड, बेड के सामने भी एक टेबल है, आपको सामान रखना चाहते हैं तो इस पर रख सकते हैं, और यहाँ पे एसी लगा हुआ है। तो ये काफ़ी कंफर्टेबल टेंट है। टेंट का मतलब ये नहीं है कि ये मतलब बस एक काम चलाओ टेंट है, और काफ़ी आप अगर ध्यान से देखें तो काफ़ी बड़ा है, मतलब अच्छा खासा कंफर्टेबल एरिया है जहाँ पे आप आराम से दो जने या फिर एक्स्ट्रा बेड लगा के तीन जने भी रह सकते हैं। अच्छा, यहाँ स्विच बोर्ड दिए हुए हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम जैसे लोगों के लिए, अगर कुछ चार्ज करना है कुछ करना है तो स्विच बोर्ड्स यहाँ दिए हुए हैं। एक छोटा टेबल बेड के आसपास भी है, दोनों तरफ स्विच बोर्ड्स है। स्लीपर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, टी कॉफ़ी मग्स, जो भी चीज़ें होती है, ज़रूरत होती है जो भी होटल में जो भी चीज़ें होती हैं सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। ये टॉयलेट एरिया है, टॉयलेट भी अगर आप देखें तो यहाँ वॉश बेसिन लगा हुआ है, सामने बड़ा सा आईना है, और यहाँ पे भी तौलिया रखे हुए हैं। रूफ़ तो खैर चलो जैसा होता है टेंट का वैसा ही रहेगा। ये टॉयलेट है, वो बाथिंग एरिया है, यहाँ भी स्विच बोर्ड्स दिए हुए हैं, और ये टेंट के बाहर जब आप निकलते हैं तो कुछ इस तरह का नज़ारा आपको दिखता है। ये आपका क्या नाम भैया? शंभू सर। शंभू, ये शंभू जी हैं यहाँ पे केयर टेकर हैं इस रिजॉर्ट के। शंभू जी क्या बता रहे थे, यहाँ पर लेपर्ड टाइगर्स कहाँ कहाँ दिख जाते ये हैं? पास में गुमसार बाग में अक्सर आते रहते हैं। अच्छा, यहीं पे बगल में, बगल में। ये क्योंकि ये जो सारा एरिया है ये तो टाइगर रिजर्व का ही एरिया है। हाँ, पूरा टाइगर। ये साइड में जितने भी हैं, यहाँ से मैं आपको भी वो भी दिखाता हूँ कि साइड में इस तरफ से जितना भी एरिया है ना, इधर इधर भी है ना, हाँ इधर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा टाइगर रिजर्व है, और इसके पीछे जो है वो झील है, झील है, जयसागर, जयसागर झील है। तो जयसागर झील है, इसके ठीक ठीक इसके पीछे मैं वो जगह ले चलता हूँ, वहाँ बर्ड वॉचिंग भी होती है, मैं वो जगह भी आपको भी दिखा दूंगा। और जयसागर झील के बाद वहाँ के बाद इस तरफ तो मतलब इंसानों का चलने का रोड है, और उस तरफ जो है पूरा जंगल है। तो वहाँ से क्या टाइप मतलब मूवमेंट होते रहते हैं एनिमल्स के, और वहाँ पे एनिमल्स पानी पीने आते हैं वो भी दिख जाते हैं, और बर्ड्स काफ़ी अच्छी दिखती है वहाँ पे। तो मैं चल के उस जगह को भी रिकॉर्ड करता हूँ, वहाँ पे एक मचान है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ।
तो मैं अभी थोड़ी देर पहले उस तरफ था, वहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी है साइड में, वहाँ पे मेरा रूम है, वो टेंट्स मैं आपको दिखा रहा था। उधर पे कुछ टेंट्स हैं और कुछ टेंट्स हैं वो यहाँ पे हैं, ये सारे स्विस टेंट्स हैं। और ये इनका किचन एरिया है और ये इनका रेस्टोरेंट है, क्योंकि टेंट स्ट्रक्चर है इसलिए रेस्टोरेंट में टेंट में है। और लेकिन ठीक है, कंफर्टेबल है, आपको दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा बल्कि अच्छा लगेगा। इधर चेयर्स लगे हुए हैं इस तरफ और आप यहाँ पे ठंड के मौसम में बॉनफायर कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत झूला भी लगा हुआ है, आप झूले में बैठ के थोड़ी देर झूले का भी आनंद ले सकते हैं, जो कि पेड़ पे लगा हुआ है झूला। और ये पीछे जो आप देख रहे हैं, जो टावर, बड़ा सा टावर दिख रहा है, ये बेसिकली फोर्ट जो एरिया है, बूंदी का जो फोर्ट है, ये वहाँ का टावर है। मैं थोड़ा और अभी आगे चलता हूँ इस तरफ, अभी और आगे चलता हूँ और वहाँ से आपको बाहर का नेचुरल व्यू दिखाता हूँ। तो अब मैं इस रिज़ॉर्ट के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पहुँच गया हूँ। यहाँ से सामने गेट है, यहीं से एंट्री पॉइंट है, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट यही है। और यहाँ तक, यहाँ ये पार्किंग एरिया है, लेकिन हमने गाड़ी वहाँ अपनी उधर खड़ी कर ली है, लेकिन ये पार्किंग एरिया है, यहाँ पे गाड़ियाँ लगती है। और यहाँ से ये बर्ड वॉचिंग पॉइंट है, जो कि बेहद खूबसूरत जगह है। ये एक मचान भी है, यहाँ पे मचान में बैठ के आप डिनर ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं, अगर हुआ तो मैं यहीं पे ब्रेकफास्ट करूँगा, या देखेंगे अभी। और ये यहाँ पे बर्ड वॉचिंग पॉइंट है और यही वो जगह है जहाँ से आप एनिमल्स भी देख सकते हैं। क्यों मैं ऐसा आपको बता रहा हूँ, तो ये झूला हो गया, यहाँ पे भी एक झूला है बड़ा खूबसूरत से लोकेशन में। देखो अभी कई सारी पक्षियाँ वहाँ आपको दिख रही होंगी, मैं आपको एक बार जूम करके दिखाता हूँ। पानी यहाँ तक है, पानी बिल्कुल, ये मैं बाउंड्री पे खड़ा हो गया हूँ, पानी यहाँ तक है। ये झील का पानी है, ये सामने जो जयसागर झील है उसका पानी है। और कई सारी माइग्रेटेड बर्ड्स और दूसरी स्पीसीज जो हैं बर्ड्स की, वो यहाँ पे अभी आपको दिख जाएंगी। और सामने की तरफ, वो सामने की तरफ मंदिर है, और ऊपर की तरफ अगर आप वहाँ देख रहे हो वो वाला, तो वो फोर्ट का इलाका है। और यहाँ पे कई सारी शिकारगाह बनी हुई है, जैसे ये जो सामने दिख रही है, ये बेसिकली शिकारगाह है। यहाँ पे राजा महाराजा यहाँ पे छिपते थे, यहाँ पे रहते थे, और यहाँ जब पशु पक्षी जब आते थे पानी पीने के लिए, तो उनको वो शिकार करते थे उनका। और ये पीछे जो आप देख रहे हैं पहाड़ी, ये सारा इस तरफ भी सूरज के कारण आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, यहाँ तो थोड़े से खेत है, लेकिन ये इस जगह के पीछे से, यहाँ से आप ये पूरा यहाँ से रामगढ़ विजधारी टाइगर रिजर्व का एरिया है। और ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं, ये तो प्राइवेट लैंड है, लेकिन यहाँ भी पानी आया हुआ है। तो एनिमल साइटिंग जो है, पानी पीने के लिए एनिमल वहाँ पर उस तरफ आते रहते हैं रात में खास करके, तो आप इस मचान से आप उनको टॉर्च जला के आप वहाँ पर देख सकते हैं ये पूरे एरिया में। तो ये बर्ड वॉचिंग के लिए और एनिमल साइटिंग के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। अब मैं आपको एक बार यहाँ से ऊपर लेके चलता हूँ मचान पे, और मचान से फिर मैं आपको ये सारा व्यू दिखाता हूँ। हालांकि इस तरफ अभी काफ़ी सूरज चमक रहा है यहाँ पे, इसलिए थोड़ी सा विजिबिलिटी क्लियर नहीं हो रही, लेकिन जितना भी जो भी होता है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। लोहे की सीढ़ियाँ हैं, आप चढ़ सकते हैं इनमें आसानी से, हालांकि ये हिल रहा है थोड़ा थोड़ा। तो मैं आ गया हूँ अभी मचान के बिल्कुल ऊपर, और यहाँ से जो नज़ारा दिख रहा है वो बहुत ही मनभावक है, क्योंकि जो मैं नीचे से नहीं देख पा रहा था बर्ड्स को या फिर जिस एरिया को, मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ। हालांकि जंगल बिल्कुल यहीं से है, आपको भी दिखाता हूँ मैं कैसा दिख रहा है यहाँ से। ये तो खेत हो गया, इन्होंने कुछ, इनकी लैंड होगी, यहाँ लगा रखा है कुछ। और ये यहाँ से इस तरफ से ये पूरा जंगल है, ये पहाड़ जो है ये पूरा जंगल में आता है। और ये बर्ड्स हैं यहाँ पे, सारी बर्ड्स इस एरिया में दिख रही है इस जगह पे। एक शिकार गाह जो है
शिकार वाला जो एरिया है एक यहाँ पे भी दिख रहा है। ये देखो ये हर जगह यहाँ पे राजस्थान में ऐसे जंगलों में ना ऐसे बने हुए मिल जाते हैं हर जगह। ये बेसिकली शिकार के लिए भी होता था और सैनिक भी रहते थे यहाँ पे ताकि दुश्मनों से वो आगाह कर सके, कोई अगर कहीं से आ रहा है तो वो देख सके। बाकी ये रिजॉर्ट का एरिया है, इस तरफ सारा रिजॉर्ट है, इधर सारा रिजॉर्ट है। तो ये बड़ी खूबसूरत जगह है और हम जैसे नेचर लवर के लिए ये ख़ास जगह है। मतलब यहाँ पर शांति है, यहाँ पर भीड़ भाड़ भी नहीं है क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर जगह नहीं है, तो यहाँ पर लोग भी कम जानते हैं इसके बारे में कि ऐसी भी कोई जगह है जहाँ पर। और साइटिंग तो क्या है यहाँ पर, साइटिंग तो मतलब बता रहे थे कि यहाँ पर साइड में चलता हुआ था, यहाँ पर इस तरफ लेपर्स दिखा हुआ है इनको, यहाँ पर कोई बता रहा था कि ये रोड क्रॉस करते हुए ये जो रिजॉर्ट है इसके पीछे की तरफ कई बार दिख जाता है, लेपर्ड साइटिंग तो होती रहती है। ये सामने ये माता का मंदिर है पहाड़ पे, ये भी बहुत फेमस है, बगल में ही है। तो बूंदी और रामगढ़ बिजधारी टाइगर रिजर्व ये दोनों बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस था पहले, अभी भी है। आप कभी भी राजस्थान का टूर करें, राजस्थान आए, तो एक बार रामगढ़ बिजधारी टाइगर रिजर्व ज़रूर आए और इस लोकेशन में आके रुके। यहाँ पर बहुत ही शांति है, बहुत ही अच्छी जगह है। मतलब हर तरफ आप देख रहे हैं कि पहाड़ है, ये अरावली के पहाड़ है और जंगल का एरिया भी यही है। तो मतलब मैं जिस जगह हूँ वो तो चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है और जंगल से घिरा हुआ है। तो रात में जंगली जानवरों की आवाज़ आती है, सुबह सुबह पक्षियों की आवाज़ आती है और एक अच्छे से आप कोजी टेंट में आप रुकते हैं और एक अच्छा से स्टे इन्जॉय करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सुबह सुबह का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब रोड रनर टाइगर। थैंक यू वेरी मच।